हम बात करने वाले एलटीएम एंट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में, और एलटीएम एंट्री के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अगेन अभी फिलहाल के लिए 0.5-0.6% के अराउंड की एक छोटी सी यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट और इसी के साथ काउंटर के अंदर एक फ्लैट परफॉर्मेंस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, एलटीएम एंट्री स्टील हमें यहाँ पर वही कंसोलिडेशन फेज के अंदर मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तक काउंटर के अंदर हमें कोई अपसाइड ब्रेकआउट या फिर कोई डाउनसाइड ब्रेकडाउन यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिला, बट आने वाले 2-3-4 दिन के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो आउटकम आता हुआ डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 17th ऑफ अक्टूबर को या 17th ऑफ अक्टूबर को विप्रो, देन यहाँ पर एलटीआई माइंट्री, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बाकी सारी भी ढेर सारी जैसे कि इन्फोसिस हो गया, उस सारी कंपनीज़ के Q2 के रिजल्ट एक ही दिन हमें आउट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मान लो एलटीआई माइंट्री ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए, देन दिस काउंटर इज इजीली गोइंग टू ब्रेक 6500 ऑन द अपसाइड एंड ऑल टाइम हाई तक की रैली आएगी। बट अगर नंबर्स खराब आए तो एक बार के लिए अगेन प्रॉफिट बुकिंग हमें 6000 तक की देखने को मिलेगी, और उसके बाद वहीं से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल भी फर्दर देखने को मिलेगा।